दोस्तों, इस वीडियो में आपसे आईबॉल ब्रांड के आईबॉल ईयरवियर ईयरफोन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये आईबॉल ईयरवियर जेम नाम से हमें देखने को मिल जाते हैं गूगल पर आप सर्च करेंगे तो, और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर, दोनों पर ये हमें देखने को मिलते हैं। इनकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये हमें 200-300 रुपये के आसपास देखने को मिलते थे, लेकिन ये मैंने 90 रुपये में परचेज़ किए हैं और 3-4 ज़्यादा मैंने परचेज़ कर लिए हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है 90 रुपये के अकॉर्डिंग। अगर 200-300 रुपये के हिसाब से बात करूँ तो आप बाकी अदर अल्टरनेटिव पर जाएँ। इसकी MRP तो 499 रुपये है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और 2-3 साल के आसपास हमें इनका एक्सपीरियंस हो चुका है। मल्टीपल ईयरफोन हमने परचेज किए थे 4-5, तो हमने उनको यूज़ किया है तो अच्छा है, और 100 रुपये से कम में काफ़ी अच्छी डील है, और 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है आईबॉल की तरफ से, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप इसके 100 रुपये से ज़्यादा पे नहीं करें तो अच्छा होगा। अगर आपको 100 से कम में अभी भी मिल जाते हैं तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है। साउंड क्वालिटी और ओवरऑल जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी अच्छी है। अगर इन ईयरफोन्स की अमेजॉन फ्लिपकार्ट की रेटिंग की बात करूँ तो इनकी रेटिंग काफ़ी कम है, और फ्लिपकार्ट पर 76 से ज़्यादा लोगों ने रेट किया है और अमेजोन पर इनको 1000 से ज़्यादा लोगों ने रेट किया है, तो रेटिंग काफ़ी कम है। बट 100 रुपये के हिसाब से साउंड क्वालिटी ओवरऑल ठीक लगी मुझे, और क्वालिटी भी ठीक लगी। और अगर आप भी इन ईयरफोन्स को यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।